अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अभी आम का सीजन है और मैं आज कम तेल में ही जो अचार है आम का वो बना के दिखाऊंगी, जो एक डेढ़ साल तक कुछ भी नहीं होता है। पहले मैं ऐसे ही आम को कट कर लूँगी। इसे मैं अच्छी तरीक़ा से धो लिया, फिर धूप में थोड़ा देर सुखा लिया। अभी मैं इसे कट के और हल्दी और नमक से 3 दिन तक इसे भिगो के रख दूँगी। उसके बाद 3 दिन बाद इसे मैं कैसे आम के अचार बनाते हैं उसे दिखा दूँगी आप लोगों को। देखिए, आम मैंने बहुत अच्छा से कटिंग कर लिया है। ये मेरा आंगन के ही आम है व्यूअर्स। अभी मैं इसे नमक और हल्दी से अच्छा से मिक्स करके 3 दिन ऐसे ही रख दूंगी। बीच बीच में मैं एक दिन थोड़ा सा इसे चला लूंगी, इसे उलट करके फिर मिक्स करके फिर रख दूंगी। 3 दिन के बाद आप लोगों को दिखा दूंगी। बहुत इजी तरीका से आम के अचार और तेल भी ज़्यादा खर्चा नहीं है, ऐसे ही बना के आप लोग डेढ़ साल तक आराम से खा सकते हैं। अभी मैं इसे मिक्स करके ढक के 3 दिन के 3 दिन तक रख दूंगी। 3 दिन के बाद देखिए आम से कितना पानी निकाला है, इसे मैं अलग से रख दूंगी। आम देख सकते हैं, मैंने इसे निचोड़ के पानी से निकाल के 3 घंटा तक धूप में रखा था। अभी मैं इसे एक बाउल में डाल दूंगी। आम बहुत अच्छा से, जो नमी है आम का वो चला गया है और बहुत मुलायम है आम। अभी मैं इसे बाउल में डाल के फिर मसाला कैसे डालते हैं वो भी दिखा दूंगी। इसे ही बाउल में डाल लूंगी। उसके बाद ये सरसों है, थोड़ा गरम कर लिया था मैंने, इसे ठंडा कर लिया है। ये सौंफ है, धनिया, जीरा, अजवाइन, कलौंजी और मिर्ची। मिर्ची आप लोग का हिसाब से डाल सकते हैं, कोई मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो। मैंने ये थोड़ा तीखा बनाने वाला हूँ इसलिए ज़्यादा मिर्ची डाला हुआ है। ये मिर्ची पाउडर भी है, ये काला नमक है, ये थोड़ा सा हल्दी है। मैं पहले मसाला को दरदरा पीस लूँगी, सब कुछ एक साथ ही डाल के दरदरा पीस लूँगी। देखिए मसाला दरदरा पीस गया है। इसे मैं, ये है सरसों का तेल जिसे मैं हींग से गरम करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। अभी मैं इसमें दरदरा पिसा हुआ मसाला मैंने थोड़ा ज़्यादा करके पीछा है, थोड़ा सा रख दूंगी। और काला नमक और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दूंगी। सादा नमक भी थोड़ा 2-3 चम्मच डाल दूंगी। उसके बाद जो हींग से गरम किया हुआ तेल है अभी ठंडा है, इसे भी थोड़ा सा डाल दूंगी। इसे अच्छा से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद जो आम से निकला हुआ पानी है उसे मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, 3 चम्मच जैसे डालूंगी। इसे मैं रख दूंगी, बाद में चटनी में यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख के बहुत अच्छा से मिक्स कर लूंगी। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा से
मिर्चा मसाला में मिक्स हो गया है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं आसाब जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आप लोग अगर जो कांच के बोतल है जिस भी बोतल में आप लोग अचार रखेंगे वो बोतल अच्छा से सूखना चाहिए धूप में। और जब भी आप लोग अचार निकालते हैं तो ध्यान रखना है चम्मच गीला नहीं होना चाहिए, सूखा चम्मच से ही अचार निकालें। उसके बाद और एक ट्रिक है अचार नहीं ख़राब होने के लिए, इसमें दो चम्मच जैसे ये विनेगर है, वाइट विनेगर जो हम लोग चाउमीन वगैरह में खाते हैं उसी को सिर्फ दो चम्मच आप लोग डाल देने से बिल्कुल फिकर नहीं है, आप लोगों का अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप लोग साल भर ऐसे ही अचार खा सकते हैं व्यूअर्स। इसे मैं अच्छा से मिक्स करके दो दिन तक रख दूंगी। दो दिन के बाद ये अचार बहुत अच्छा से फूल जाएंगे, उसके बाद ही मैं जार में इसे भरूंगी। व्यूअर्स मेरे अचार के वीडियो जो है कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दो दिन के बाद इसे जार में रख के दिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स बहुत अच्छा से आम जो तेल है और मसाला है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। कितना फूल गया है आप लोग देख सकते हैं अचार। अभी मैं इसे जार में डाल के रख दूंगी। एक दो साल जितना टाइम भी ये चले कभी भी ख़राब नहीं होगा व्यूअर्स। व्यूअर्स मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।